Motivational lecture number two, a video series by Star Virtual Tutors. Bismillahir Rahmanir Rahim, Allahumma salli ala Muhammad Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sallam taslima. Assalamu alaikum. आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ मोटिवेशन यानी मोटिवेशन का मतलब यानी मोटिवेशन से क्या मुराद है। मोटिवेशन का मतलब समझने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त कोटेशन है कि ज़िंदगी यकसर मुहर्रक है, यानी अगर हम ज़िंदगी को देखें तो ज़िंदगी नाम ही हरकत का है। अगर कोई चीज़ हरकत में है तो इसका मतलब है वो ज़िंदा है। अच्छा, इसी तरीके से इस कोटेशन का जो दूसरा हिस्सा है उसमें यह है कि सुकून यकसर मौत, यानी अगर कोई शख्स सुकून में है, कोई काम नहीं कर रहा, कोई हरकत नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह है कि वो मर चुका है। ठीक है, तो ज़िंदगी यकसर मुहर्रक है, सुकून यकसर मौत, यानी ये इससे मोटिवेशन का सबसे बेहतरीन तरीके से आप मोटिवेशन को समझ सकते हैं, उसका मतलब उससे मुराद क्या है। जी, अब अगर हम मोटिवेशन को एज ए वर्ड देखें तो मोटिवेशन जो है वो निकला है मोटिव से। मोटिव का मतलब है टू डू वर्क, यानी कोई काम करना। अच्छा, मोटिवेशन का मतलब हम इस तरह भी देख सकते हैं कि कोई भी काम करने का जज्बा, यानी अगर आप में कोई काम करने का हौसला मौजूद है, आप में कोई काम करने का जज्बा मौजूद है, आप कोई काम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप में मोटिवेशन मौजूद है, आप कोई काम करने के लिए मोटिवेटेड हैं। इसी तरीके से अगर हम मोटिवेशन को समझने के लिए एक और उसकी मिसाल दे सकते हैं, जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, यानी कोई भी गाड़ी है, आपके पास कार है, मोटरसाइकिल है, तो उसको चलाने के लिए, उससे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कोई काम लेने के लिए आपको फ्यूल की ज़रूरत होती है, ऐसे ही इंसान के लिए, इंसानी जिन के लिए मोटिवेशन एक फ्यूल का किरदार अदा करती है। मोटिवेशन जो होती है वो इंसान की ज़िंदगी में एक ड्राइविंग फोर्स का किरदार अदा करती है। अगर कोई शख्स मतलब अपनी ज़िंदगी का मकसद खो चुका है या वो मायूस हो चुका है, तो मोटिवेशन ही वो चीज़ होती है जो उसे दोबारा ज़िंदगी के ट्रैक पे लेके आती है, उसको वो ड्राइविंग फोर्स देती है, उसको एक धक्का लगाती है कि हाँ उठो, तुम कुछ कर सकते हो, तुम कुछ बन सकते हो, तुम कामयाब हो सकते हो। तो वो मोटिवेशन ही होती है जो इन तमाम चीज़ों पर एक इंसान को आमादा करती है। मोटिवेशन का मतलब समझने के लिए एक और जो बहुत ज़बरदस्त एनालॉगी है वो है बल्ब की। जैसा कि एक हमारे पास गैर रोशन बल्ब है जो रोशनी नहीं दे रहा, उसको जब हम एक करंट देते हैं, उसको प्लग जो होता है वो सॉकेट के अंदर लगाते हैं, तो जैसे ही हम प्लग सॉकेट में लगाते हैं तो वो बल्ब रोशन हो जाता है, वो रोशनी देना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही मोटिवेशन जो होती है वो इंसान की ज़िंदगी में एक करंट का किरदार अदा करती है, यानी वो उस जैसे एक बंदा बिल्कुल मायूस हो चुका है, वो मतलब ज़िंदगी में एम लेस हो चुका है, तो मोटिवेशन जो होती है वो इंसान के अंदर एक करंट पैदा करती है, उसको दोबारा काम पे उकसाती है, काम का जज्बा देती है, और उस तरीके से वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकता है। तो मोटिवेशन एक करंट की तरह होती है जो एक बुझे बल्ब को या बुझे इंसान को दोबारा अपने काम में ला सकती है। अच्छा, मोटिवेशन एक और इम्पॉर्टेंट जो एनालॉगी है मोटिवेशन का मतलब समझने के लिए वो है कि मोटिवेशन एक स्टेट ऑफ माइंड का नाम है, यानी मोटिवेशन जो है एक ज़हनी कैफियत का नाम है। अगर कोई शख्स काम करने पे आमादा है, उसकी ज़हनी कैफियत ऐसी है कि वो काम करना चाहता है, उसमें काम करने का जज्बा है, तो हम कहते हैं कि ये मोटिवेटेड है। ठीक है, और अगर कोई शख्स ज़हनी तौर पे किसी काम करने के लिए तैयार ही नहीं है तो हम कहते हैं ये अनमोटिवेटेड है, इसमें कोई काम करने का जज्बा ही नहीं है। तो बेसिकली मोटिवेशन भी एक स्टेट ऑफ माइंड की तरह है कि ज़हनी कैफियत का नाम है। यानी मोटिवेशन एक ऐसी ज़हनी कैफियत है जिसमें हमारा ब्रेन फुल पावर पे ऑन होता है, यानी वो मुकम्मल तौर पे काम कर रहा होता है। यानी अगर हम मोटिवेटेड बंदे को देखें तो वो पूरी अपनी स्ट्रगल, अपनी एफर्ट कम्प्लीटली उस काम के अंदर पुट कर रहा होता है। तो ये एक समझ लें कि एक ऑन स्टेज ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है। अच्छा जी, लास्ट में जो हम चीज़ देखते हैं वो है
कि हमारे अगर हम मुशाहिदा करें हमारे इर्द गिर्द जितने भी कामयाब लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी फील्ड के अंदर, किसी ने अगर डॉक्टरी में कामयाबी हासिल की है, किसी ने वकालत की फील्ड में कामयाबी हासिल की है, किसी ने कोई अच्छा प्लेयर है, तो वो हम उन तमाम लोगों को अगर मुशाहिदा करें तो हम देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड लोग होते हैं। यानी उनमें काम करने का बहुत ज़्यादा जज्बा होता है, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की होती है, अपने काम में बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ किया होता है, मेहनत की होती है, रातों को जागे होते हैं। तो ये इस चीज़ से जाहिर होता है कि जो जितने सक्सेस के लिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, यानी सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इससे मोटिवेशन का मतलब समझने में आपको हेल्प हुई होगी। थैंक्स वेरी मच फॉर योर अटेंशन, और इस किस्म की वीडियो को मज़ीद बेहतर करने के लिए मुझे फीडबैक दें ताकि मैं इनको मज़ीद बेहतर कर सकूँ। जजाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।